बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी के बारे में आपके जो सवाल हम पे से पूछे जाते हैं उसके जवाब हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी इसकी थोड़ी जानकारी ले लें। दोस्तों आप सभी हमसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी आखिर है क्या चीज़। दोस्तों आप में से कई लोगों को तो पता ही होगा कि भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की हुई है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, लेकिन आप में से कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो सब्सिडी है क्या और किन लोगों को मिलती है। तो बस इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई क्योंकि आपसे जो आप हमसे जो क्वेश्चन करते हैं तो उसका हम थोड़ा सा समाधान आपको दे सकें। तो दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो कि भारत के अंदर चल रही है उसके अंतर्गत आप कभी भी घर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो यहाँ पर हम बता दें कि सब्सिडी वो क्या है जो सरकार दे रही है। तो सब्सिडी जो हम घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर अगर हम कोई लोन ले रहे हैं या हम लोन लेकर कोई मकान ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं तो उस लोन पर आपको भारत सरकार कुछ छूट देती है। जी हाँ, छूट का नाम ही सब्सिडी है। और वो छूट कितनी होती है, वो 2,50,000, 60,000 जितना भी एलिजिबल आप होंगे उस हिसाब से आपको छूट मिलती है। मान लीजिए अगर आपने 10,00,000 का लोन लिया है किसी फ्लैट को लेने के लिए तो उस फ्लैट के हिसाब से या आपकी इनकम या आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको भारत सरकार छूट देगी और मैक्सिमम ये 2,67,000 तक की जो सब्सिडी होती है वो आपको सरकार की तरफ से दी जाती है। अब आप बोलेंगे छूट किस तरह से पे की जाती है। दोस्तों लोन मिलता है आपको बैंक के थ्रू, जब बैंक के थ्रू आपको मान लीजिए 10,00,000 का लोन मिल गया तो अगर आपको उसमें 2,67,000 की अगर सब्सिडी मिल गई तो उस सब्सिडी को मान लीजिए 10,00,000 में से आपको 2,67,000 रुपये जो है वो माइनस कर देने हैं। जो भी आपका जो 7,00,000 या 23,00,000 जो आपका बचेगा आपको सिर्फ उसी का ही पेमेंट या उसी की ही इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी और वही लोन आपको देना पड़ेगा। तो ये होती है सब्सिडी। अब सब्सिडी आप कैसे चेक करेंगे कि कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपको देखिए ये जो पेज मैंने खोला हुआ है आपको यहाँ पर आना होगा और इस पेज पर आने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ इसको। आपको अपने गूगल ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है PMAY। PMAY लिखने के बाद इस तरह का पहला ही ऑप्शन खुल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ये साइट है ये खुल जाएगी। आपको यहाँ ऊपर ये तीन लाइनों के ऊपर आपको क्लिक करना है, इन तीन लाइनों के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको एक सब्सिडी कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए ये FAQ जो मैंने हाईलाइट किया है इसके ऊपर एक सब्सिडी कैलकुलेटर का बटन है। तो जैसे आप सब्सिडी कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना सब्सिडी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम कितनी है, लोन अमाउंट आपको कितना है। तो चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम है यानी कि सालाना जो आपकी इनकम है वो जैसे कईयों की बहुत कम होती है तो यहाँ पर हम 2,24,000 आपकी सालाना इनकम डाल देते हैं। अब उसी हिसाब से आपको मान लीजिए बैंक लोन दे रहा है आपके फ्लैट पे या आपके मकान पे, मान लीजिए 7,00,000 रुपए दे दिया किसी ने, ठीक है, तो क्योंकि जो बिल्डर वगैरह होते हैं वो करवा देते हैं, तो 7,00,000 रुपये हमने कर दिया। और 10 ईयर जो है वो मैक्सिमम जो है वो जितना होगा उतनी ही ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 10 ईयर जो ये लोन चुकता करने की जो अवधि है इसको अगर आप कम रखेंगे तो आपको सब्सिडी भी कम मिलेगी, यही ये ध्यान रखने वाली बात होती है इसके अंदर। तो जितना मैक्सिमम रहेगा मैक्सिमम इसके अंदर हमने टाइम डाल दिया। और उसके बाद EWS कैटेगरी में देखिए हमें पूरी सब्सिडी 2,67,000 की यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर सब्सिडी जो आप पूछते हैं कि सब्सिडी आखिर है क्या चीज़, तो सब्सिडी यही है कि जब हम कोई प्लॉट या फ्लैट लेते हैं तो उसके ऊपर जो हम लोन लेते हैं बैंक से, अगर किसी का पैसा है तो वो तो वैसे ही पेमेंट कर देगा, लेकिन पैसा ज़्यादातर लोगों पे होता नहीं, वो बैंक से ही लोन लेते हैं। जब लोन जो लेते हैं उस लोन अमाउंट पर आपकी इनकम कैटेगरी के हिसाब से जो सरकार आपको उस लोन के अमाउंट पर छूट देती है उसी को सब्सिडी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके सब्सिडी से जुड़े हुए थोड़े सवाल क्लियर हुए होंगे। तो ये जानकर आपको कैसे लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों परिवार को भी शेयर इसको कीजिए। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अपनी स्क्रीन पर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।